दोस्तों, कालिदास प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के कवि और नाटककार थे। आधुनिक विद्वानों ने तो उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान दिया है। दोस्तों, महाकवि कालिदास के नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक, और वो काली माँ के अनन्य भक्त भी थे। दोस्तों, वर्तमान समय में लगभग 40 ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें कालिदास के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों इनमें से केवल 7 ही निर्विवाद रूप से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है। इन 7 में से 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध, और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कालिदास के बारे में। बतला रहे हैं आपको महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं कालिदास किस काल में पैदा हुए थे। दोस्तों, हमारे पास इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि कालिदास प्राचीन भारत के किस समय में पैदा हुए थे। विभिन्न इतिहासकारों के इस बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन 2 मत काफी लोकप्रिय हैं। पहला मत पहली सदी ईसा पूर्व का है, जबकि दूसरा 4th सदी ईसा पूर्व का। दोस्तों, पहली सदी ईसा पूर्व यानी कि आज से 2100 साल पहले के मत के अनुसार कालिदास उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे और उनके राज दरबार में कवि के पद पर नियुक्त थे। महाकवि कालिदास को महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों, 4th सदी ईस्वी के मत के अनुसार कालिदास भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त के समकालीन थे। कई प्रमुख इतिहासकार इसी मत को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कालिदास के जन्म स्थान के बारे में। दोस्तों, महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन का काफी महत्ता से वर्णन किया है, जिसकी वजह से कई इतिहासकार उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। कुछ साहित्यकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है दोस्तों कि कालिदास का जन्म कविल्ठा गाँव में हुआ था, जो आज के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कविल्ठा गाँव में सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और एक सभागार का निर्माण भी करवाया गया है। इस सभागार में हर वर्ष जून के महीने में 3 दिनों का एक साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने देश के कोने कोने से विद्वान आते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कालिदास की जीवन की वह घटना कि कैसे कालिदास पत्नी के धिक्कारने के कारण मूर्ख से विद्वान बने थे। दोस्तों, किदवंतियों के अनुसार कालिदास दिखने में तो सुंदर थे, लेकिन आरंभ से वो अनपढ़ और मूर्ख थे। उनका विवाह संयोग से विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ था। हुआ यूं था दोस्तों कि विद्योत्मा ने यह तय कर रखा था कि जो पुरुष उसे शास्त्र में हरा देगा वो उससे विवाह कर लेगी, लेकिन बड़े बड़े विद्वान विद्योत्मा को शास्त्र में नहीं हरा सके, क्योंकि विद्योत्मा चुप रहकर इशारों से गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसका उत्तर इशारों में ही देना होता था। विद्वान विद्योत्मा के इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ना दे पाया तो कुछ दुखी विद्वानों ने थक हार के मूर्ख और अनपढ़ कालिदास को आगे कर दिया, जिसने विद्योत्मा के इशारे में पूछे गए सवालों के जवाब इशारों में ही देने शुरू कर दिए। दोस्तों, राजकुमारी विद्योत्मा को लग रहा था कि कालिदास इशारों में उनके प्रश्नों के गूढ़ उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उनकी सोच गलत थी। जैसे कि जब विद्योत्मा ने कालिदास को खुला हाथ दिखाया तो मूर्ख कालिदास को लगा वो उसे थप्पड़ दिखा रही है, तो उसने भी विद्योत्मा को घूंसा दिखा दिया। लेकिन विद्योत्मा को लगा कि कालिदास शायद यह कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो, लेकिन वो सभी एक ही मन द्वारा संचालित है। दोस्तों, विद्योत्मा और कालिदास का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद विद्योत्मा को सच्चाई पता चलती है कि कालिदास मूर्ख और अनपढ़ हैं। वो कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि बिना पंडित बने घर वापस मत आना। कालिदास को ग्लानी महसूस होती है और वो सच्चा पंडित बनने की ठान लेते हैं। वो काली माँ की सच्चे मन से आराधना करनी शुरू कर देते हैं और माँ के आशीर्वाद से वो परम ज्ञानी बन जाते हैं। घर लौटकर जब वो दरवाजा खड़काकर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं तो विद्योत्मा आवाज से ही पहचान जाती है कि कोई विद्वान व्यक्ति आया है। इस तरह से दोस्तों पत्नी के धिक्कारने पर एक मूर्ख और अनपढ़ महाकवि बन जाते हैं। कालिदास जीवन भर अपनी पत्नी को अपना पथ प्रदर्शक गुरु मानते थे
और दोस्तों अब बात करते हैं कालिदास की रचनाओं के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 7 ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें निर्विवाद रूप से कालिदास रचित माना जाता है। इन 7 में से 3 नाटक हैं जिनके नाम हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षियम, मल्लिकाग्नि मित्रम, 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार वंशम, और 2 खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतु संहार। दोस्तों कालिदास के प्रमुख 7 रचनाओं के सिवाय 33 रचनाएं और हैं दोस्तों जिनका श्रेय महाकवि कालिदास को ही दिया जाता है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है दोस्तों कि यह रचनाएं अन्य कवियों ने कालिदास के नाम से ही की थी। कवि और नाटककार के अलावा कालिदास को ज्योतिष का विशेषज्ञ भी माना गया है। माना जाता है दोस्तों कि ज्योतिष पर आधारित पुस्तक उत्तर कलाकृतम कालिदास की ही रचना है। दोस्तों कालिदास कितने प्रतिभाशाली कवि थे इस बात का पता इसी से लगता है कि उनके बाद हुए एक प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने उनकी खूब प्रशंसा की है। यहाँ तक कि दक्षिण के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी के एक शिलालेख में कालिदास को महान कवि का दर्जा दिया है। अपने समय के एक शक्तिशाली राजा के शिलालेख में एक कवि का वर्णन होना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों यह शिलालेख कर्नाटक राज्य के बाजीपुर के एक प्राचीन स्थान एहोल में पाया गया था। दोस्तों कालिदास अपनी रचनाओं में अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का प्रयोग किया करते थे। इसके सिवाय उनके द्वारा ऋतुओं का किया गया वर्णन बेमिसाल है। दोस्तों संगीत कालिदास के साहित्य का प्रमुख अंग रहा है, लेकिन वो अपनी रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान रखते थे। तो यह था दोस्तों महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारी उत्साह बढ़ाता है और हमें और भी ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ जुड़े रहिए, और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।